जय बद्री विशाल। तो आशुफन टीवी के एक और नए ब्लॉग में सबका स्वागत है। हेलमेट देख के पता चल गया होगा कि मैं जा रहा हूँ आज सतपुली लाश वाले ब्लॉग में, मैंने बता दिया था। तो अभी मैं, डब्बू, बब्बू और दूसरा आशु, तो हम चारों निकल रहे हैं सतपुली की तरफ। और आज वहाँ पे एक तो सिलेंडर भी लाना है मुझे, दो कनेक्शन करवाने अपने, और कुछ पंचायती सामान भी लाना है, और डब्बू का फ़ोन भी ठीक करवाना है। तो आज ना तरफ हमारे बुढ़ी यहीं से। बुढ़ी कितने सालों बाद आए गाँव? बोला मैं 25 साल हो गया अकेला। हाँ, अरब बने एक शिफ्ट 3 साल हो गए बने बनेगा। हाँ, अब कितने महीने बाद आओ घर? 4 4। अच्छा, बुढ़ी बोडी और माता श्री। आज माँ जी तो कना गे नीचे पोंगड़ो गुड़ सुधि बना। ठीक है बुढ़ी, बैठे रहो, हम चलते हैं। ओके, बाय बाय माता श्री। ओके। नो पटे घागिरी लू नो रंग वाली पिछोड़ी, कान का झुम का लू नो नाक की न थूली, और मैं लू नो खुटी का झवेरा, और मैं लू नो खुटी का झवेरा, तब अली दगाड़ा डोली बैठी बेरा, डोली बैठी बेरा, यो डणा कपारा देखी छा न्यारी न्यारा, यो डणा कपारा देखी छा न्यारी न्यारा, जब तू ऐजे छो बहारा। तो फिर अभी बढ़िया से गांव से घूमते घूमते पहुंच गए हैं सतपुली। बांगाट वाले पुल की रोड तो बड़ी ख़राब है, स्कूटी लायक तो बिल्कुल हैवी नहीं है, फोर व्हीलर तो चल जाएगा उसमें, बट स्कूटी में तो मतलब 4-5 दिन चल गए तो फिर सर्विस चाहिए स्कूटी को भी, और बड़े पेच पुर से ख़राब हो जाएंगे उसके। तो अभी हमने ले लिया दूसरा कनेक्शन, DBC करवा लिया और 3250 का मिला सिलेंडर के साथ। तो इस साइड है SP गैस की एजेंसी, जो ये पहाड़ वाली रोड है उसके पास में ही, और यहाँ से ले लिया अभी सिलेंडर हमने। तो फिर ये बढ़िया से ले लिया हमने दूसरा कनेक्शन, और वेट भी इसका ठीक ठाक लग रहा है, बिल्कुल हिला ही नहीं जा रहा, तो मतलब सही होगा इसका वेट। पर दिल्ली में फर्जीवाड़ा बहुत करते हैं सिलेंडर वाले, जो 5 किलो पहले बढ़ा देते हैं, कहते हैं भाई वो 30 से 5 चले गए, ज्यादा ही है, ऐसा नहीं है, कम नहीं है, कम नहीं है। सेम चीज मेरे साथ हुई थी, पहले उन्होंने कनेक्शन दिया, उस टाइम भाभी थी घर पे, ओ भाभी को ऐसे वेट करके चले गया सिलेंडर का, तो भाभी ने बोला कि ठीक ही होगा, और वो देखा कि 20 दिन में खत्म। हम लोग हैं, मैंने कहा यार तो 1.5 महीने चले जाता हमारा सिलेंडर, 21 दिन में कैसे खत्म हो। फिर नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम मैंने भरवाया, फिर हम उसने अपने मशीन में वेट करा तो ठीक था, फिर मैंने उसने लगा के चले गया वो कनेक्शन अपने आप ही बिल्कुल गैस में फिट, पता नहीं चलने चाहिए 2 किलो पहले के पहले। फिर मैंने देखा, मैंने कहा तो 25 किलो है, वैसे 29 किलो आता, तो उसने बोला यार वो आगे हो गया गलती से, फिर से चेंज करके गया, फिर उसने अपने सामने तुलाया मशीन में, उसमें भी 30 किलो वेट, मैंने कहा ये तो बहुत ज़्यादा है। फिर 10 मिनट बाद फिर मेरी दीदी आई ऊपर से, उन्होंने चेक करा, फिर उसमें कम, फिर अगली बार तो फिर अपनी मशीन से सबके सामने करवाई तब जाके, नहीं तो बहुत दिल्ली में बहुत ज़्यादा। हाँ, अगर हाँ मेरे सामने बोल के गया, जो बैचलर्स रहते उनको हम ऐसे ही बना देते, बोला, मैंने कहा साले मेरे को ये इतने टाइम से बना रहा था। तो अब चलते हैं, हम इसको रखते हैं और उसके बाद फिर हम चलते हैं, तेरे को फेमस यहाँ की समोसा टिक्की और आलू टिक्की खिलाते हैं। तो अभी सिलेंडर को जरा ठिकाने लगाने के बाद हम लोग आ चुके हैं अपने पेट को जरा ठिकाने लगाने सतपुली की फेमस मिश्रा स्वीट शॉप में, जहाँ पे मिलती है यहाँ की फेमस आलू टिक्की और समोसा छोले। तो जरा ट्राई करते हैं और देखते हैं कि कैसे होते हैं। फिर इधर आ चुका आलू टिक्की और समोसे छोले। तो फिर अभी बढ़िया से आ चुके हैं हम होटल से घूम घाम के। डब्बू तो भाई कहाँ है? सुंदर सुंदर लड़कियाँ घूम रही है मार्केट में, तू देख नहीं रहा है? मैं उनके पीछे घूम रहा हूँ। साल लात पड़ेगी। फोन बन गया तेरा? कितने रुपए बोला उन्होंने? उन्होंने 1000 रुपए लिए। 1000 रुपए लिए बताना। अरे वाह, ठीक हो गया, क्या हुआ था इसमें? ये फूट गया था यार कल। ओहो, चल मैंने तेरे फंड देश तो करा हुआ, अब देखते हैं कितने लोग रुपए। आप पहले पार्टी कराओ, चलो भाई चल इसको पार्टी है, इसको खिला देते हैं, चलो आ जा। तो डब्बू आ चुका है अभी माँ लक्ष्मी स्टोर में। क्या खाएगा डब्बू? डब्बू का फोन बन गया, डब्बू खुश हो गया, कह रहा मेन्यू ऊपर से लेकर नीचे तक सब बुक कर दो। कल डब्बू के मैंने अपनी फ्रेंड से बात करी, डब्बू बड़ा सैड सा हो रखा था, खुश हो गया है ना? मैगी छोड़ के सब मंगा ले। ये खाऊंगा मैं। क्या क्या करा डब्बू ऑर्डर? मैंने फ्राइड मोमोज और चाउमीन। ठीक है ठीक है, दो मछली चाहिए। ये डबुन भाई सॉस ही सॉस कर रहा है। अभी देखो आप मेरे को लेना है, एक ही मिनट में खत्म।
एक मिनट में चट। ये देखो डब्बू ने चौमिन खत्म कर दी एक मिनट में, और अब देखो डब्बू क्या आगे फ्राइड मोमोस क्या क्या एक चाट हमारे साले पे क्या सेटिंग करूँ तेरे भी ठीक है क्या चौड़े हो रहे हो यही भाई डब्बू का इलाका है ये। डब्बू तेरे अभी लड़के आ जाएंगे कौन हैं यही बंद करूंगा सबको यही है बेबी तू पहले जा बंदे लोगों को फोन कर। देखो डब्बू के फोन बनने की खुशी में चौकोबार ठीक है अब खुश है तू अब मान गया कल हसीना मान गया अरे हसीना मान जाएगी अब फोन भी बन गया है अब तो शाम को फोन पे रखना पड़ेगा कट्टे के अंदर पैक करके चलाने भाई टेंशन हो गई थी बाबू से बात कैसे करूंगा मैं मेरे बाबू ने जाना लाया ऐसे ऐसे खाना निकालूंगा ना तेरा तो फिर बढ़िया से खा पी लिया मैं आराम से तो जा रहा हूं तो कहां जा रहे भाई मैं गर्लफ्रेंड से मिलने नहीं यार भैया कोई नहीं है यार गर्लफ्रेंड मेरी झूठ तो नहीं कर रहा नहीं है यार कोई नहीं है। अच्छा तो ये लेट आएगा और मैं आराम से निकलते हैं ना तेरा मैंने GPS ऑन कर रखा है पता चल जाएगा तू इधर उधर गया तो ठीक है नहीं पता चलेगा भाई सीधा मेरी लोकेशन आएगी वो सतपुली पुल तो फिर हम लोग निकल रहे अभी यहाँ से गाँव और फिर सिलेंडर ला रहा है डब्बू गाड़ी में क्योंकि स्कूटी में तो आफत आ जाएगी बिल्कुल। ठीक है डब्बू शाम को मिलते हैं बाय बाय सिलेंडर लेने ऊपर आ जाना ठीक है ठीक है ठीक है मैं नहीं लाऊंगा नीचे हाँ हाँ आ जाएंगे तो कॉल कर दे स्कूटी लेके ऊपर आ जाएंगे। गाड़ी चली कुमाऊं हिले माँ तुझे मेरी माया धर मैं तेरो दिले माँ धर चुलबे गाड़ी चली कुमाऊं हिले माँ तुझे मेरी माया धर तू मेरो दिले माँ नैनीताल की माधुली हिट मेरे दागाड़ा नैनीताल की माधुली हिट मेरे दागाड़ा घूमे आली धार चूला लेन मा ओ घूमे आली धार। तो फिर बढ़िया से सपली से हम घूम घाम के पहुंच चुके हैं घर और डब्बू के लिए गिफ्ट आ चुका है भाई मेरे सब्सक्राइबर द्वारा। वैसे तो अभी तक मतलब 4-5 हज़ार लोगों ने देख लिया था वीडियो बट कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया था। मैंने कहा पहली बार क्या हो गया तो तभी मेरे एक सब्सक्राइबर सुंदरियाल जी जो मेरे साथ कनेक्ट में भी हैं ये देखो डब्बू अरे भैया उनको बोलना हो गया मेरा फोन टेक उन उन्होंने भेजे हैं 1500 रुपये तेरे को भी दिए किसी ने ना उनको बोल रहे धन्यवाद उन भेजने के लिए लेकिन मेरा फोन ठीक हो गया। कोई बात नहीं उन्होंने जब किसी ने कोई प्यार से देना कोई चीज तो रख लेनी चाहिए उन्होंने नहीं उन्होंने 1500 भेजे तो तेरे 1000 रुपये लगे ना तेरे तो 500 रुपये उनको वापस कर देंगे रिटर्न ठीक है 1000 रुपये धन्यवाद भाई जी देखा धन्यवाद तब कुछ फायदा हुआ है। हाँ मैं तो मना ही कर रहा था ये भी रख लो मैंने बना लिया था फोन लेकिन अब तूने कौन से पैसे लगाए उसमें बताना होते हुए कुछ हो सकता है क्या तूने थोड़े दिए पैसे तूने कौन से पैसे लगाए ये तो बता। होली मांगने गए थे ना ये भी कहते होली मांगने 1000 रुपये हुए थे तब मैंने वही लगवाए। अरे 1000 रुपये बड़ी मुश्किल से उसने बचाए थे रात भर घूमे थे भाई पूरी रात। मैं खर्च नहीं करता ना बेफालतू का पैसे संभाल के रखता हूँ। अच्छा इमरजेंसी में काम आ जाते हैं ना जैसे आज इमरजेंसी पड़ी तो मैं आज भाग गया सीधा सतपुली। अच्छा काम आ गया तब जाके बहुत बढ़िया तो कुछ बोलना चाहेगा उन्हें धन्यवाद भाईजी के लिए बहुत बहुत और मैं ऐसे हंसाता रहूंगा। अरे मैं तो ये भी मना कर रहा था कोई बात नहीं मैंने तो फोन बना लिया नहीं तो कोई बात नहीं अब बाकी किसी के आएंगे तो उनके वापस कर दूंगा मैं। हाँ। ना जितनी नीड होती है उतनी लेनी चाहिए ठीक है और अब दोबारा नहीं फोन अब दोबारा नहीं कराऊंगा मैं फंड रेस। वैसे तो मैं दे सकता था पैसे बट अभी मैं बहुत कर्जे में हूँ क्योंकि मेरा दूसरा फोन आ रहा है या, 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 उसके लिए मैंने उधार लिया है। ये वाला फोन हमको दे देना फिर। हाँ ठीक है तो पहले पढ़ाई लिखाई करेगा पढ़ाई लिखाई जरूरी है कि पढ़ाई लिखाई करेंगे तभी दोगे आप ये वाला फोन। पढ़ाई लिखाई करेगा तब मिलेगा तेरे को गिफ्ट और क्या तभी मैंने डाला ना नहीं तो मैं नहीं डालता फिर। मैंने कहा डब्बू कल बहुत ज्यादा उदास हो गया था तो फिर अभी डब्बू को दे दिए हैं। वैसे तो उन्होंने अपना नाम बताने से मना कर रखा है ये गुप्त दान दे रखा उन्होंने बोले मेरी तरफ से मेरे छोटे भाई के लिए है तो? वो बड़ा और क्या अब पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हैं कब है तेरे पेपर सेकंड सेमेस्टर अब तो पता नहीं मई में शायद। चलो ठीक है फिर अब हम आते हैं घूम के ठीक है फिर बाय बाय ठीक तेरे लेबर कोई देगा नहीं ना पैसे अभी तो ये दिक्कत है इसलिए तोड़ियो मत।
तो फिर अभी हम गांव से पहुंच चुके थे बनेख और ऐसे घूमते घामते, और यहाँ पे जो हमारे पीटीआई गुरुजी थे उनका रिटायरमेंट है कल, और उससे पहले उन्होंने घर बना रखा है यहाँ पे, तो उनका गृह प्रवेश था। तो गांव की जो पंचायती महिला मंगल दल की पूरी टीम यहाँ पे कीर्तन भजन करने आ रखे थे, और उनको शाम को डिनर पे भी इन्वाइट करा हुआ है। तो जरा देख लो, पंचायती टीम पूरी अवेलेबल है यहाँ पे। ये देखो बढ़िया दादी वे क्या कीर्तन भजन। अच्छा प्रणाम, गुरु जी का कल रिटायरमेंट समारोह है, तो उससे पहले गुरु जी का गृह प्रवेश हो चुका है। बढ़िया, अरे वाह जबरदस्त, आज कीर्तन करवा दिया गुरु जी है, बढ़िया है। दादी कर लिए कीर्तन भजन, अभी डिनर पे बुलाए है। अच्छा गुरु जी ने गाड़ी कर रखी आने जाने की है पूरी पंचली टीम के लिए। हाँ अभी जाना चाहे हम तो घर ही जाना चाहे। दादी क्या कहाँ कहाँ हिसाब कर रहे हैं आप? गुरु जी ने शाम को दावत में रखा है, दावत भी है। हाँ, क्या क्या दावत में पता नहीं यार। अच्छा सब चल के ना आप लास्ट दोनों पैसे गिने ना। अच्छा सब किताब कारी। अच्छा घर जोला गुरु जी माल्य अर्पण कब से वे गई और तुम कल छावे हम तो बुलाए नहीं गुरु तो भीतर गुरुजन ने बुला हम तो ओहो पता था ये तो भीतर है जंदा अध्यक्ष साहब। अच्छा गाड़ी बुक करी गुरु जी का आप कौन आओ आज अध्यक्ष साहब पार्टी में वे गया गुरु जी माल्य अर्पण कर रहे अब बॉली बोले गुरु जी परसों एक तारीख आज तो दिन अध्यक्ष खींचा। अच्छा बंद हो चुना तरफ दावत और गाड़ी गाड़ी बुक करें। हाँ हाँ चलो चलो फटाफट चलो ठीक बाय 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 बाय। तो फिर बढ़िया से घूम घाम के आ चुके हैं हम घर, और गुरुजी का रिटायरमेंट तो वैसे 1 अप्रैल को है, तो उन्होंने एडवांस में ही कीर्तन भजन और जो यहाँ के लोकल हैं बने किए पंचाली के उन लोगों को डिनर पे इन्वाइट कर रखा है। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। डब्बू का फ़ोन भी ठीक हो गया, डब्बू के लिए मतलब हेल्प भी कर दी जो सुंदरियाल जी उन्होंने, और बाकी उन्होंने मतलब 1500 रुपये दिए थे तो 500 रुपये उनको मैंने रिटर्न कर दिए क्योंकि 1000 की नीड थी। तो डब्बू बस खुश हो गया, डब्बू के चेहरे पे आप स्माइल देख सकते हो। तो मिलते हैं फिर आप लोगों को अगले व्लॉग में। ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक जय बहारा।